माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हो आप लोग। एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। कल की वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बोल रहा हूँ उसको लाइक करना गाइस। और हाँ, और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग कार के ऊपर वीडियो होने वाली है गाइस। और जो आज कार होने वाली है अपने पीछे खड़ी है अपनी स्विफ्ट, जो कि ओल्ड स्विफ्ट रहने वाली है, नई वाली नहीं है, ओल्ड स्विफ्ट है। इसमें काम पूरा हुआ है अपना, जितना भी मेन इसमें ध्यान दिया गया साउंड सिस्टम का, साउंड सिस्टम में अपना पूरी वो पेटी नहीं रखी है, पूरा अपना बूफर सेटअप बना है अपना साउंड सिस्टम में, ठीक है गाइस। और अपनी ओल्ड स्विफ्ट होने वाली है तो अपन बता देते हैं पहले कि स्विफ्ट में हुआ क्या क्या है। तो पहले देख लो स्विफ्ट का थोड़ा सा वॉक अराउंड, एक मिनट वॉक अराउंड मत इन्जॉय करो, सीधा सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय करो। My own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who put up my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. भाई साहब सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना गाइस। और आज जो होने वाला है ना भाई, इस शॉट में बहुत ही भयंकर वाला काम होने वाला है गाइस, जो कि साउंड सिस्टम के ऊपर है। बेस कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बेस होने वाला है, मतलब पीछे बैठने वाले की हालत मत सुधाई इसमें भाई। कोई भी मतलब ये बेस ना थोड़ी देर तक सुनने का है, मतलब ज़्यादा देर भी अपन नहीं कर सकते हैं। और पीछे बैठने वाले की तो हालत बिल्कुल ख़त्म हो जाती, एकदम ख़त्म, ठीक है गाइस। तो अपन बताते हैं इस गाड़ी में लगा क्या क्या है, ठीक है गाइस। आ जाओ इधर साइड। तो गाइस एम जो है ना सीट के नीचे है, अब जितना जस्टिफाई हो रहा होगा मैं बता देता हूँ। वैसे तो रोफोर्ड का एम पे 4 चैनल है, इस गाड़ी में 2 एम्प डले जो कि 4 चैनल के, और जो कि मैं बता देता हूँ एक जो 1 एम्प है दोनों अपने सब बुफरों को कर रहे हैं मैनेज, ठीक है। और जो दूसरा एम्प है वो 4 चैनल का है पर अपन उसमें सिर्फ 2 स्पीकर बजा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो मैं दिखा देता हूँ, एक है रोफोर्ड का एम, ये देखो जितना जस्टिफाई हो रहा होगा। रुको थोड़ा सीट पीछे कर देता हूँ, ये देख लो इधर साइड से, ये अपना एम्प हो चुका है। और दूसरे साइड अपन आ जाते हैं तो ये अपना JBL का एम्प होने वाला है, ये भी 4 चैनल है जो कि 2 स्पीकर चला रहा है। और मैं बता दूंगा पीछे कि किससे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी में 2 4 चैनल एम्प होने वाले हैं और अपने ट्यूटर की प्लेसमेंट अपने चारों डोर में होने वाली है। और पीछे जो सब बूफर रखा गया पूरा पेटी तो वो पीछे रहेगा, ठीक है। और उसी के ऊपर 2 अपने स्पीकर है जो कि अपने एम से चल रहे हैं। जितना सामान जो पीछे का है वो पूरा एम से चल रहा है, जितने अपने कॉम्पोनेंट है ये नॉर्मल अपना चल रहा है, जैसे नॉर्मल चलता है अपने टेप से। और भैया ने एक चीज़ और लगवा के रखी हुई थी, इधर आ जाओ जरा आप लोग, आओ यार जल्दी आओ। भैया ने ये स्टूडियो लगवाया था बिल्कुल नया है, ठीक है गाइस। ये स्टूडियो बिल्कुल नया है जिसमें यूट्यूब वगैरह चलते हैं, पर भैया को साउंड की ज़रूरत थी, देख लो अभी सिंगल डिन भैया ने लगवा दिए हैं जो कि पाइनियर का सिंगल डिन है, इसमें ब्लूटूथ वगैरह नहीं आता है, से पेन ड्राइव और ऑक्सपिन में काम करता है। फिर भैया ने इसकी जगह ये लगवाए थे, आ जाओ ज़रा देख लो भैया, कुछ ऐसा लगा था ये। तो भैया ने अपना ये लगवाए थे जिसमें YouTube वगैरह सब काम करता है गाइस, ठीक है। पर इसमें साउंड अच्छा नहीं बन रहा था तो भैया ने इसको हटवा दिया भाई, इसको कहते हैं शौक, शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और अपन आ जाते हैं अब इसको साइड में रखते हैं भाई। तो अपनी गाड़ी जो है अपने मैटिंग मिल जाती है अपने नीचे नॉर्मल जो भी है, मेन इसमें फोकस करा गया है भाई साहब साउंड सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इधर आ जाते हैं अपने आर्मरेस्ट जो कि फाइबर वाला आता है, जो पूरा ऐसा हो जाएगा अपना फोल्ड, इसके अंदर भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है गाइस, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल स्पेस जितनी मिल सकती है, एसी बहुत हो भाई साहब। अपनी गाड़ी में जो होने वाला है पूरा सबवूफर होने वाला है, जो कि आ जाओ पास में आओ जरा मैं जस्टिफाई कर देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या लगा है, ठीक है गाइस। इसमें लगा है 1300 वॉट का JBL का और ये भी पाइनियर का उतना ही, ठीक है गाइस। और यहाँ पर अपने जो मैंने बताया था जो अपना एम्प है
राइट साइड वाला, उससे अपने ये दो सब बुफर चल रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला है उससे ये दो जो स्पीकर चल रहे हैं। और ये टेडी बियर कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। और हाँ गाइस, कमेंट करो, शाउट आउट मैं दूंगा गाइस आप लोग को, अच्छा कमेंट करना गाइस, ठीक है? और शाउट आउट पक्का दूंगा, ठीक है गाइस? और अपन मिलते हैं सीधा सामने की तरफ। तो गाइस बैक प्रोफाइल अपना गाड़ी का ये होने वाला है पूरा, ठीक है? तो बैक प्रोफाइल है ये, और भैया ने स्टिकर वर्क करा है। और हाँ गाइस, मैं बताना भूल गया था कि आज का शाउट आउट जो जाता है रोमिल सिंह को जाता है शाउट आउट, ठीक है गाइस? उनने बहुत ही अच्छा कमेंट करे थे, आप भी कमेंट करोगे गाइस तो आपको भी अगला शाउट आउट क्या पता आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जो आज का शाउट आउट था, फिर से बोल रहा हूँ, रोमिल सिंह को शाउट आउट मिला था, ठीक है? आ जाओ अभी तो गाइस, गाड़ी का अपना ये होने वाला है बैक प्रोफाइल, जो कि इधर आ जाओ पास में, जो भैया ने करवा के रखे अपने टेल लाइट में, क्रोम फिनिश वाला जो आता है पूरा, देख लो भाई क्रोम में एक भी बार रस्ट नहीं लगा है। अपनी पूरी बैजिंग होने वाली है, डी बैजिंग कुछ भी नहीं हुई है गाड़ी। और गाड़ी भैया ने सेकेंड हैंड परचेज करे थे, ये भी बता दूं। और पीछे अपने जो मिरर होने वाला है उसमें ये स्टीकर है, देख लो गाइस, कमेंट करके बताना काय का स्टीकर है, ठीक है गाइस? हाँ, और इधर आ जाओ तो गाड़ी अपनी डीजल होने वाली है, थोड़ी बैजिंग वैजिंग मिल जाती है। और गाड़ी में अपने अलॉय व्हील होने वाले हैं, ठीक है गाइस? तो गाइस 15 इंच का एलॉय व्हील होने वाले अपने गाड़ी में। एलॉय व्हील एक बार फिर से देख लो कितने अच्छे लुक दे रहे हैं, थोड़े से गंदे माइंड मत करना गाइस, ठीक है? तो अपन आ जाते हैं थोड़ा इधर साइड अप, ठीक है? तो ये अपनी स्क्रीन रखी है, इसको हटा दो। भैया ने पावर विंडो वगैरह लगवा के रखे है, और गाड़ी थोड़ी अभी वायरिंग का काम हो रहा था इसलिए थोड़ी गंदी गाड़ी है, ठीक है? तो इसको ये आप माइंड मत करना। गाड़ी में जो है ना गाइस, मैं बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जो भी ऐसे पावरफुल वाला साउंड सिस्टम रहता है ना, अपना बैटरी भी इसके लिए हैवी चाहिए। और भैया ने इसमें और भी कुछ काम करवा के रखे, जो गाड़ी का जो अल्टरनेटर रहता है ना गाइस, उसको भी चेंज करवा के रखा है, वो भी बहुत पावरफुल वाला डाला है, ताकि बैटरी जल्दी चार्ज होए और डिस्चार्ज ना होए, ठीक है गाइस? और अपन आ जाते इधर साइड, बैटरी भी अपनी फुल पावरफुल है। और हाँ गाइस, बैटरी अपनी डबल डली हुई है, एक बैटरी अंदर है बहुत, उसको मैं दिखा नहीं सकता, पर ये बैटरी है इसलिए मैंने इसको दिखा दिया, जो बात साफ है गाइस, ठीक है? तो अपन चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो गाइस अपन अब गाना बजा के दिखाने वाले हैं कि इसका बेस कैसा है, साउंड कैसा है। तो अपन गाना बजाने वाले हैं जेरी को, जो कि NCS है, कॉपीराइट इसमें नहीं आएगा गाइस, ठीक है? एक मिनट भैया, लॉक खोलना। हाँ, तो अब देख लो, गाइस साउंड तो आप लोग ने सुन लिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। अब एक बार अंदर से आप लोग देख लो। और हाँ गाइस, मैं बोल रहा हूँ, ईयरफोन लगा के सुनना, तभी आपको बेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा गाइस, ठीक है? और अब गाना एंजॉय करो, ठीक है? अंदर से देखता हूँ मैं भी कैसा होगा। We'll be right back.
गाइस साउंड तो आप लोग ने सुन लिया होगा, गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड था और बहुत ही क्रेजी वाली गाड़ी है भाई साहब ये, मालूम बहुत ही लाउड साउंड है। और हम अंदर बैठे थे ना हम लोग, तो बहुत ही कान बिल्कुल भनभना रहे थे बिल्कुल। आप लोग ने कैमरे में नोटिस किया होगा जो अपनी पिक्चर है वो भी एकदम ऐसे लहर रही थी। ठीक है गाइस, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दो। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो गाइस HH मॉडिफिकेशन करके। और हाँ गाइस, पंजाबी हिंदी जो भी गाने रहते हैं वो अभी मैं शूट कर ले रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए, और इंस्टाग्राम में जो भी पंजाबी गाने सुनना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम जाके देख लो गाइस। ठीक है, ओके बाय।